हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आज हम जा रहे हैं नजीबाबाद और हम लोग वहाँ जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। बट अभी हम लोग जितने भी गुरुद्वारा के लोग हैं ना, सब वहीं जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। और मैं सब मम्मी हैं और देखते हैं क्यों जाते हैं लोग। हम ये पता करने जा रहे हैं वहां पर कि लोग इतने सारे लोग शॉपिंग करने क्यों जाते हैं। सारे कोटद्वार के लोग नजीबाबाद जाते हैं, वहां सस्ता मिलता है नहीं मिलता। हाँ, सही रेट में मिलता है वहां पर या नहीं मिलता, हम वही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं आज मार्केट नजीबाबाद। और हमें कुछ पसंद आएगा तो हम वो भी लेंगे और हम देख आपको भी दिखाएंगे कि वहां पर क्या क्या रेट में क्या क्या चीजें मिल रही हैं, क्यों लोग वहां जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, शादी पार्टी वगैरह के लिए। तो फिर हम वही चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ आ गए घर से पैदल पैदल और यहाँ से हम ऑटो में जाएंगे और देन उसके बाद ऑटो में मौसी भी जा रही है हमारे साथ। मौसी, मौसी के दोनों बच्चे और मम्मी और मैं जा रहे हैं। तो चलते हैं, फिर लेके चलते हैं आपको। मौसी तो मौसी आ चुकी है और चीकू भी और गुनगुन आपको मिल चुकी है और हम लोग जा रहे हैं। हम अभी बस स्टेशन पहुंचे हैं, यहाँ पर बस से जाएंगे नजीबाबाद। मौसम कैसा हो गया, धूप भी आ गई है गंदी सी। तो हम लोग बैठ चुके हैं मैक्स में क्योंकि हमको बस नहीं मिली है और हम लोग बैठ चुके हैं मैक्स में और ये बैठे हैं बीच। गाइस सी हियर, बहुत गर्मी हो रही, सब पसीने पसीने हो गए। चीकू तो बता रही कब तक जाएगी, अभी सीट खुली हुई है, जब तक हो गए तब देखते हैं। मार्केट पहुंच चुके हैं और यहाँ से है और यहाँ से हमें अंदर जाना पड़ेगा। चलो तो रोड क्रॉस करके हमें यहाँ पर आपको उतारेगा जीप वाला, यहाँ से रोड क्रॉस करके आना है सीधे और यहाँ से ये गली है, इसके अंदर आएंगे हम सीधे सीधे और यहाँ अंदर है मार्केट। सो गाइज, अभी हम लोग पहुंचे हैं पहली शॉप में। तो यहाँ मुझे 150 वाली टी शर्ट्स दिखने को मिली और ये देखो ये 100 रुपये वाली है। इनका मटेरियल मुझे कोई खास नहीं लगा, ये 180 थी, इनका भी मुझे कोई मटेरियल खास नहीं लगा है। और ये आप देख सकते हैं, रही ये है 150 रुपीज़ की रेंज में। इसमें भी 3-4 कलर लगे हुए थे और ये लोअर्स हैं और ये शॉर्ट्स ही मुझे ठीक लगे, ये वाले मुझे ठीक लगे 120 रुपीज़ के रेंज में, कॉटन मटेरियल है। और ये 200 के रेंज में है शॉर्ट्स। मुझे इनका कपड़ा कुछ खास नहीं लगा है क्योंकि ये मिक्स कॉटन में थे और उनका कोई मटेरियल भी ढंग का नहीं था। और ये कैप्री टाइप की है कॉटन में और ये टी शर्ट्स लगी हुई थी यहाँ पर, ये सारी ओल्ड फैशन है क्योंकि आज के टाइम पे ऐसे कोई टी शर्ट्स पहनता नहीं है। बाकी घर के लिए, अगर आपको घर में पहनी है तो घर के लिए बिल्कुल ठीक है। और ये 150 के यहाँ पर शॉर्ट्स में मिल रहे थे एंड यहाँ पर शर्ट्स देखने को मिली मुझे, मतलब ठीक ठाक थी, इतना भी कोई अच्छा नहीं लगी। और प्राइस तो था इसका 320 रुपीज़ और प्राइस तो मुझे क्वालिटी के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही लगा, इससे अच्छी अच्छी टी शर्ट्स मिल जाती है इतने रेट में तो। और बाकी तो ये ओल्ड फैशन लग रहा था मुझे, तो बिल्कुल मुझे अभी हमारा पसंद का बिल्कुल नहीं आया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये स्टॉल्स और ये 100 रुपीज़ के रेंज में है। हमने निकाल के देखा तो उसका साइज़ बहुत छोटा था और ये पसंद आया था बट हमने फिर लिया नहीं। फिर यहाँ पर हमें दूसरी शॉप में गए, हमें यहाँ पर मिडीज़ देखने को मिली और इनका ये रेट बता रहे थे 1200 1400 एंड 1500 तक की रेंज में और ये मुझे बहुत ज़्यादा महंगा लगा। बट हमने कहा थोड़ा, उन्होंने बोला कि हम कर देंगे तो हमने कहा चलो ठीक है हम ट्राई करके देखते हैं। फिर इन दोनों ने ट्राई करके देखा तो लग तो सही रहा था बट बहुत महंगी रेंज बोल रहे थे इसलिए हमने नहीं लिया। फिर हमें ये कुर्ती देखने को मिली उनके ठीक अपोजिट वाली शॉप में और ये बता रहे थे 1500 की कुर्ती और इससे अच्छी तो हमें ऑनलाइन मिल जाती है। और बाकी इस टाइप की कुर्ती दिखा रहे थे यहाँ पर हमें। ये सब 200 वाली है सारी, ये सब 200 वाली है। एक सौ तीस रुपये का कुर्ती का कपड़ा है ये 2 मीटर।
फिर हम घूमते घूमते इन वाली शॉप में पहुँचे और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सूट्स थे। मम्मी और मौसी को सूट्स लेने थे दोनों को, तो इन्होंने वाले सूट दिखाए। ये सब बता रहे थे 1400 रुपीज़ की रेंज में, और ज़्यादा ही कॉस्टली बता रहे थे। कपड़ा तो फिर भी ठीक था, बट फिर भी ज़्यादा था हमारी तरफ से तो। और मम्मी को ये वाला सूट भी बहुत पसंद आया था, ब्लू कलर का। ये भी 1400 तक के, 1200 तक के रेंज में बता रहे थे। और इन्होंने, मम्मी ने ट्राई करके देखा ये वाला सूट, लग तो अच्छा रहता। और इन्होंने ये वाला सूट दिखाया वाइट और येलो शेड में, ये भी बहुत पसंद आया। मम्मी ने ये वाइट वाला लिया है, और ये मम्मी ने पिंक वाला ट्राई करके देखा, ये भी इन्होंने ऐसे ही बताया था। ये वाला हमने सूट लिया है वाइट कलर का, ये भी मुझे बहुत प्रिटी लगा, तो मम्मी ने इसको ले लिया है। और इन्होंने बोला था 1400 रुपीज़, पर हमने बार्गेन करके 800 रुपीज़ में लिया। और मम्मी को ये वाला पिंक कलर का सूट भी पसंद आ रहा था, पर इन्होंने सही रेट में नहीं लगाया तो हमने लिया नहीं। सूट ले सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे और रीजनेबल प्राइसेस में है। तो भाई आप जगह बता दो कहाँ पर है ये। चौक है कटहरा मार्केट में। अच्छा ठीक है, जिसको आना है आज विजिट कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सूट, पीस बहुत अच्छे, पीस बहुत अच्छे हम ले जा रहे हैं। अब देखते हैं क्वालिटी वगैरह जो भी है। चलो बाय बाय, थैंक यू। चलो जरा ऐसे दिखा, एक ये लिया हमने, और कौन सा लिया है, एक उसने बैग में रख दिया। चलो बाय अंकल, थैंक यू। चलो ये 200 रुपए की रेंज में है। देख कितने के खड़े, तो 200 तक की रेंज में है सारे। तो गाइज मैंने इन मंगलसूत्र का रेट पूछा तो उन्होंने बताया 80-90 रुपीज़। और ये जो चेन मैं दिखा रही हूँ इसका रेंज पूछा इन्होंने, पूछा 120 रुपीज़। और 100 रुपीज़ की रेंज में तो हम अपनी शॉप में ही बेचते हैं, तो नजाबाद में तो मुझे लगता है घोड़दौड़ से भी ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं, तो बेवकूफ़ है लोग जो नजाबाद जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पर एयरिंग्स दिखा रहे थे ये भैया, और ये भी 80-120 रुपीज़ के रेंज में ही थे। और हम लोग देखने गए थे कि कितने रुपए में मिलता है, बट यहाँ तो कोटद्वार से भी ज़्यादा महंगा मिल रहा है। और ये रिंग्स भी देख सकते हैं आप, तो ये फुटवेयर्स हैं आप देख सकते हैं, ये भी 150 रुपीज़ की रेंज में है। और नॉर्मली आपको कहीं भी मिल जाएंगे ऐसे फुटवेयर्स, तो नजर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, रेट भी इतना ही होता है। ये पॉट है ना इस टाइप का, इसके ऊपर दिखाना ढक्कन, इस टाइप का ढक्कन है, निकाल के दिखाना। ये कितने का भैया, ये वाला 80 रुपए। चलो नहीं, अरे आप थोड़ा सा पेट पूजा करते हैं, पेटीज एंड कोल्ड ड्रिंक, बहुत थक चुके हैं हम लोग, बहुत थक चुके हैं, तो इसलिए हम लोग पेटीज और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं फटाफट। और शॉपिंग तो हमने थोड़ी बहुत करी है, और बाकी आपको मार्केट दिखाई दिया है, बाकी हम मिलते हैं खाना।
तो जो मुझे नजरबाद में एक शॉप सही लगी वो भी मेंस कलेक्शन था ये, और यहाँ पर मुझे टी शर्ट्स बहुत पसंद आई है, ये ऑरेंज वाली और ये रेड वाली, ये दोनों मैंने ली है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा था, रेट था 450, 450 रुपये उन्होंने रेट बोला, बट हमने कहा 300 लगाओ, हम चार पाँच टी शर्ट ले लेंगे। तो हमने तीन टी शर्ट्स ली वहाँ से, दो मेरे लिए और एक चीकू के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, जीन्स भी अवेलेबल थी यहाँ पर, मेंस कलेक्शन है टोटली, बट हमें ऐसे टी शर्ट्स काफ़ी अच्छी लगती हैं तो इसलिए हमने अपने के लिए भी लिया। और ये जो ऑटो वाले अंकल है हमारा कब से वेट कर रहे थे कि चलो हमारे साथ चलो, मैं छोड़ूंगा तुमको। और इनकी शॉप का नाम है ब्लैक टैग, और आप देख सकते हैं बाहर से मैंने लुक दिखा दिया आपको, तो यहाँ आ सकते हैं आप लेने के लिए, मुझे अच्छा लगा। इनका नेचर भी काफ़ी अच्छा था बात करने का भैया का, और कपड़ा भी अच्छा है, कलेक्शन भी अच्छा है। आपने कम तो कर लिया थोड़ा सा। चलो बाय भैया, थैंक यू। तो गाइस फाइनली कोटदार पहुंच चुके हैं, और मौसी बच्चे सब, और हम लोग एकदम थक चुके हैं, अपने शॉप में आ चुके हैं, और आवाज भी ऐसी हो गई है बिल्कुल बताने लायक नहीं है। और तो हमारी शॉपिंग हो चुकी है फाइनल ओवर, और आपको दिख जाएगा कि मुझे तो कोई नहीं लगता कि नजीबाद इतना सस्ता है ना, दोनों सेम ही है, मतलब कोटद्वार में भी ले सकते हैं आप, अपने सिटी में भी ले सकते हैं, तो मुझे तो कोई पसंद नहीं आया नजीबाद, हल्का फुल्का ठीक था अपना ही होता है यार। हाँ। और दूसरी बात यह है कि मतलब लोग बोलते हैं सस्ता मिल सकता है, सस्ता तो कोई नहीं मिलता, बाकी अपनी अपनी चॉइस है कि, तो सिर्फ एक वो है बना दिया लोगों ने कि वहाँ सस्ता मिलता है, पर ऐसा कुछ है नहीं, पता नहीं वहाँ के लोगों को मिलता होगा। हाँ वहाँ के लोगों को मिलता होगा या जो भी होगा, पर ड्रेसिंग सेंस भी तो बिल्कुल नहीं था वहाँ पर, मतलब ढंग का ड्रेस जो हमको हमारे टाइप का जो ड्रेस होता है उस टाइप का तो मुझे कहीं नहीं मिला वहाँ पर, और सब वैसे ओल्ड फैशन टाइप का ड्रेस था क्योंकि वहाँ के लोग ऐसे ही पहनते हैं। सो गाइज आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे मेरे चैनल को। टाटा बाय बाय, लव यू।